प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और आप सब लोगों को आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय से एक दृष्टांत पढ़ करके आज का चर्चा हम करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय की 7वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे एक दास का कर्तव्य के बारे में बताते हैं, एक दास का कर्तव्य के बारे में। वहाँ पे एक मालिक है और एक दास भी है। हम ये जानते हैं कि प्रभु ने हम सबों को तरह तरह की जिम्मेवारियाँ दिया है, किसी को सेवकाई करने का, किसी को घर संभालने का, किसी का काम करने का। हम सबों के जीवन में तरह तरह की जिम्मेवारियाँ, तरह तरह की भूमिकाएँ प्रभु यीशु मसीह उस भूमिकाओं को निभाने के लिए दिए हैं। प्रियो, यहाँ पे हम एक दास का कर्तव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं वो दास दिन भर खेत में जाकर के वो भेड़ चराते हैं और हल जोता है। वो सारे काम करके वो जब वापस अपने घर आते हैं, मालिक उसको ये बताते हैं अपने लिए घर खाना पकाने के लिए, और खाना पकाने के बाद उस मालिक को वो खाना खिलाने के लिए, उसका सेवकाई करने के लिए बताते हैं। उसका 8वां पद में ये बताते हैं, और उनसे ये कहे, मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक तुम कमर बांध कर मेरी सेवकाई कर और इसके बाद तुम भी खा पी ले। देखो, ऐसा जिम्मेवारियां एक दास को करते हैं, लेकिन दास को देखो उन्होंने पूरी आनंद से, पूरी हर्ष से वो हर एक काम करते हुए हम देखते हैं। प्रियो, देखो उसको ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने देखो दिन ब दिन खेत में मेहनत किया, अभी घर में वापस आने के बाद मालिक ने इतना सारा काम और भी मुझे करने के लिए बताते हैं। ऐसा कोई अतृप्त की बात, कोई कुटकुटाने वाली बात उस दास से हम सुनते नहीं हैं। प्रियो, हमारे जीवन से तुलना करके इस दास को, स्वभाव को जब हम देखें, देखो हम सब अपने जीवन में बहुत सारे सेवकाई किया हुआ लोग होगा, बहुत उम्र का लोग होगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, देखो मैंने बहुत सारे सेवकाइयाँ प्रभु के लिए किया है, लाखों लाख ट्रैक्ट मैंने बांटा है, मैंने कितना किलोमीटर साइकिल चढ़ा है, इतना पहाड़ चढ़ा है, सुसमाचार सुनाया है, इधर गया, उस गांव में गया, तरह तरह की सेवा। देखो मैं अभी तक चुका हूँ, मैं अभी और कोई सेवकाई कर नहीं सकता हूँ। ऐसा सोचने वालों के जीवन में देखो ये बात एक आशा की बात है, ये बात एक उत्साह की बात है। देखो उस दास के जीवन में मालिक उसको एक बात बताया, यही उसका पहचान है, यही उनका जीवन का मान्यता है, क्योंकि दास ने मुझे देखो और भी इस आज्ञा दिया। उसके ऊपर वो बहुत खुश होकर के वो सारे काम करते हैं। और देखो प्रभु ने हमको ये बताता है उसका 10वां पद में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब बातों कर चुके हो जिसकी तुम्हें आज्ञा दिया है, और उसके बाद ऐसा कहो, मैं एक निकम्मा दास हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैंने वही किया है। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें एक जिम्मेवारी दिया, वही हमारा मान्यता है। प्रियो, प्रभु ने मुझे एक सेवकाई दिया, वही मेरा पहचान है। प्रियो, इस पहचान में इस मान्यता ही हमारा जीवन बनना है, जीवन की उत्साह बनना है। प्रियो, इसलिए आने वाली दिनों में प्रभु ही हमारा नमूना है। प्रभु परमेश्वर से अपने पिता से क्या प्रार्थना किया है, हे पिता जो काम तुमने इस पृथ्वी पर मुझे करने को दिया है, मैंने उस काम को पूरा कर कर इस पृथ्वी में तेरे नाम को महिमा किया। प्रियो, प्रभु है हमारी जीवन की नमूना। प्रभु ने ऐसा प्रार्थना किया, हम भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सेवकाई हो, जिम्मेवारियां हो, काम हो, उसको एक निकम्मे दास के जैसे प्रभु ने यह बताया है, मैं एक निकम्मे दास हूँ, जो मुझे आज्ञा दिया है बस मैंने वही किया है। उस अगर हम मैंने ऐसा काम करे तो मेरी मालिक को, मेरी स्वामी को, मेरे प्रभु को मैं बधाई देने वाले में से बनेगा। प्रियो, और उनकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाने वाला व्यक्ति बनेंगे। प्रियो, इसलिए इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।